Dear student, today we are going to discuss the salmonella for your food microbiology. तो मैंने सोचा आप लोगों को ताकि इसका अच्छी तरह बता दिया जाए, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद 2-3 दफ़ा वॉच कीजिएगा, ताकि आप लोगों को salmonella का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आ जाए. बहुत ज़्यादा फूड बॉर्न है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो ये एक ह्यूमन पैथोजन है और जो हमारे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा फीवर कॉमन है टाइफाइड, वो इसी की वजह से होता है. इसकी बहुत सारी आगे सीरोटाइप्स 4 हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके एंटीजेंस भी होते हैं, जिसमें साल्मोनेला टाइफाइड ए एंड साल्मोनेला बी एंड साल्मोनेला पैराटाइफाइड ए और पैराटाइफाइड बी. ठीक है, ए और बी ये इसकी किस्में हैं. ठीक है, तो जो टाइफाइड इसमें मोस्ट जो कॉमन फीवर है वो टाइफाइड है. अच्छा, ये सबसे पहले फ्रेंच साइंसदान ने इसे डिस्कवर किया था, इस बैक्टीरिया को, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. ठीक है, सो अब जो इसमें जो समझने वाली बात ये है कि इसको इनमें जो इसके सीरोटाइप्स हैं, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ इनके डीएनए, जब हम डीएनए को अलहदा करते हैं साल्मोनेला के, तो इसमें सिंगल स्पीशीज़ आती है जो रिकोगनाइज होती है, उसे साल्मोनेला एंटेरिका या साल्मोनेला क्लोराइस भी कहते हैं. ठीक है, तो ये इसकी वन ऑफ द सीरोटाइप्स हैं. ठीक है, इसके अलावा साल्मोनेला बोंगेरी, तो आप लोग 2-4 ही साल्मोनेला याद कर लें. ठीक है, बाकी इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इनके अपने स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें इसके सोमैटिक और फ्लैजुलर, ये ओ और एच, इनकी बेसिस पर, जो फ्लैजुलर एंड सोमैटिक, इनकी बेसिस पर हम इनको मुख्तलिफ इनकी सीरोटाइप्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो साल्मोनेला की जौनसी जो इनमें बहुत कॉमन किस्में हैं, उसमें आपको मैंने जो ह्यूमंस के अंदर होती हैं वो साल्मोनेला, जैसे मैंने बताया साल्मोनेला ए एंड साल्मोनेला बी, इसके अलावा साल्मोनेला पैराटाइफाइड ए एंड पैराटाइफाइड बी. अच्छा, जो इसके अलावा जो एनिमल्स में भी ये कॉमन है, एनिमल्स में जो साल्मोनेला क्लोराइड और साल्मोनेला ऑप्टोवायरस, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. बस आप ये 2-4 बैक्टीरियाज़ के आपको नाम आने चाहिए. ठीक है, नाउ वी विल कम ऑन द डायरेक्टली, आपने जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही लिखना है और इतना ही सुनाना है. नाउ वी विल कम ऑन द डायरेक्टली ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड करैक्टरिस्टिक. ऑर्गेनिज्म क्या है? ये ऑर्गेनिज्म और करैक्टरिस्टिक में ये है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया था, और ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये स्पोर्स नहीं बनाता, नॉन स्पोर्स फॉर्मिंग रॉड्स है, विच इज़ 1-3 माइक्रो एमएम. ठीक है, माइक्रो एमएम का ये होता है, कैटलेज पॉजिटिव होता है और ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है और एनएरोबिक होता है. एनएरोबिक का ये मतलब है ये ऑक्सीजन वगैरह नहीं लेता अपने ग्रोथ के लिए. कैटलेज पॉजिटिव होता है, ये एक एंजाइम यूज़ करता है जिससे ये पॉजिटिव, तो कैटलेज बेस पॉजिटिव की बेस पे भी हम बहुत सारे बैक्टीरिया को करते हैं. ऑक्सीडेज नेगेटिव यानी ऑक्सीजन को नहीं लेता, यूज़ करता. अच्छा, इसके अलावा जो इसकी सबसे ज़्यादा अहम है वो है ग्रोथ है. ये तकरीबन 5 डिग्री से लेकर 47 सेल्सियस तक ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है, और ये हीट सेंसिटिव है. यानी इसका मतलब है अगर हम ज़्यादा इसे पास्टराइजेशन या उबालेंगे तो ये साल्मोनेला जौन सा है मर भी जाएगा. हाँ, ठीक है, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इसके अलावा जौन सा है, मैंने आपको ये भी बता दिया, जो इसकी प्रोफाइलिंग होती है, इसमें जो इसके एंटीजेंस होते हैं ओ और एफ फ्लैजुलम, इसकी बेसिस पर इसके वो हम इसको डिवाइड करते हैं. अच्छा, बाकी जौन सा है इसकी पैथोजेनेसिस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पैथोजेनेसिस में ये जौन सा है साल्मोनेला हमारा जौन सा है दो किस्म की डिजीज़ करता है, एंट्राइटिस भी करता है और सिस्टेमिक डिजीज. एंट्राइटिस का मतलब होता है ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जौन सा है इन्फेक्शन करेगा, जो कि मोस्ट कॉमन है पाकिस्तान में भी. तो ये एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है. इसकी तकरीबन जो यूके के अंदर ही 200 टाइप्स की सीरोटाइप्स हैं जो साल्मोनेला की हैं. ठीक है, लेबॉर्ट्री में ऑफ कोर्स इसे हम करते हैं. ठीक है, जो ह्यूमन में इलनेस है उसमें करंटली जो यूके में है उसमें साल्मोनेला एंट्राडाइटिस और साल्मोनेला टाइफेरियम एंड टाइफेरिया विर्चू. ठीक है, ये तीन इम्पॉर्टेंट हैं जो साल्मोनेला की टाइप्स की बहुत इम्पॉर्टेंट. इनक्यूबेशन पीरियड इनका जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं वो 6-48 आवर्स तक रहते हैं. इनके मेन सिम्टम्स यही है, एब्डोमिनल पेन, डायरिया और ये होता है आपको.
ठीक है, उसके बाद आपको बुखार शुरू हो जाता है, ठीक है। नाउ वी विल कम ऑन द डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है, ऑफ द दैट इन्फेक्टिविटी। इसके इन्फेक्टिविटी के मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं। एक रूल ये है कि जौन से अगर 10^6 से ज़्यादा साल्मोनेला है हमारी बॉडी के अंदर, तो इट विल कॉज द प्रोबेबली कॉज द इन्फेक्शन, ठीक है। इसके अलावा जो सिस्टेमिक डिजीज़ है, सिस्टेमिक का ये मतलब है, एंट्राइटिस का मतलब तो इंटेस्टाइन में, सिस्टेमिक का मतलब ये है कि सिर्फ ये हमें इंटेस्टाइन को नहीं सिर्फ करेगी, पूरी बॉडी में जो लीवर है, किडनी है, हर जगह इट विल अफेक्ट, ठीक है। तो इसकी मोस्ट कॉमन कॉजेज आप लोग को पता ही है, पैराटाइफाइड, टाइफाइड। तो टाइफाइड पीरियड जो सिस्टेमिक डिजीज़ में, टाइफाइड फीवर जो है ये एक सिस्टेमिक डिजीज़ है, ये तकरीबन 10-20 days ले जाता है, 10-20 days, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसमें आपके जो लिम्फ नोड होते हैं मुख्तलिफ जगह बॉडी में, वो भी स्वेल हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करता है, ये हमारे माइक्रोफेजेस के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है, और माइक्रोफेजेस हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। जो माइक्रोफेजेस होते हैं ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़म होते हैं फॉर द ब्लड। सेकेंड स्टेज में जो ऑर्गेनिज्म है वो गट वॉल यानी आपके गाल ब्लैडर के अंदर रीच करता है, जहाँ ये बाइल के अंदर मल्टीप्लाई करता है। तो जिसको टाइफाइड होता है उसको बाद में आपने देखा होगा कि उसको जो आंसर है जॉन्डिस वगैरह भी हो जाता है, और फीवर इसमें परसिस्ट रहता है सेकेंड स्टेज में भी। थर्ड स्टेज में जाके थोड़ी बहुत रिमिशंस होती हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके जो आंसर हमारे स्टूल के अंदर ये तकरीबन 1 साल तक शेड होता रहता है, ठीक है। अच्छा, आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, आप आइसोलेट कैसे करेंगे इसको? आइसोलेशन के लिए आपके इसको पुराने बहुत सारे मेथड्स हैं, दे आर वेरी मेथड्स दैट इज यूज फॉर द आइसोलेशन। इसमें जो सबसे पहले ओल्ड मेथड है, आप एक सैंपल लेंगे, उसको प्री इनिचमेंट एक मटेरियल है, बफर है, उसमें आप इंक्यूबेट करेंगे तकरीबन 16-20 hours के लिए, ठीक है तकरीबन। और जिसमें लेंगे एक किस्म की पपेट होगी, उसमें जो से है बफर्ड पेप्टोन वगैरह इसमें ऐड होगा, ठीक है। एक तो ये आइसोलेशन का तरीक़ेकार है। दूसरा तरीक़ेकार एक है इंडिपेंडेंस कंडक्टेंस टेक्निक। इसमें मैग्नेटिक वगैरह यूज़ होते हैं, तो मैग्नेटिक के ज़रिए हम जो से है ये जितने भी साल्मोनेला की स्पीशीज़ हैं उनके सैंपल्स इकट्ठे कर लेते हैं। और द लास्ट है जो मोस्ट कॉमन है वो है एलाइजा, ये पाकिस्तान में अवेलेबल भी है, मुल्तान में भी है, तो एलाइजा के ज़रिए भी हम इसके एंटीबॉडीज़ वगैरह इसको हम कर लेंगे अटैच, यानी वी कैन आइडेंटिफाई इट। अब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एसोसिएशन विद द फूड्स, फूड से तो ये बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जूनोटिक इन्फेक्शन। जूनोटिक इन्फेक्शन वो होते हैं जो कि एनिमल से लगते हैं, तो एनिमल से, तो सबसे पहला जो इसका रूट है वो फीको ओरल रूट ही है, यानी आपके फीकस से ये ओरली, आप एनिमल के कोई भी अगर फीकस आपने खा, यानी किसी तरह फीकस आपके फूड में आ गया एनिमल के, जैसे अंडा है, ठीक है, और आपने उसे खा लिया, जैसे मीट है, मिल्क है, पोल्ट्री है, तो ये फिर जो है ट्रांसमिशन आरहानी से हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन फॉर द फीको ओरल रूट है, तो आपने यही रखना है। तो इसमें मिनिमम ट्रांसमिशन यही है कि प्रोटेक्शन करनी है फीड्स की और वाटर की फॉर कंटामिनेशन, ज़्यादा ये वाटर की कंटामिनेशन से बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप यू गेट इट। एंड और आपको मैं ये भी बता दूं कि जितनी भी पोल्ट्री फॉर्म्स वगैरह हैं इनमें भी अगर पोल्ट्री अनपास्चराइज होगी और पास्चराइज मिल्क भी अनपास्चराइज होगा तो देन देर इज़ अ चांस। और इसके अलावा रॉ मिल्क के अंदर तो साल्मोनेला बहुत ज़्यादा होता है, तो जब भी आप रॉ मिल्क पकड़ें फ्यूचर में तो आप यू विल चेक फॉर द साल्मोनेला, ठीक है। और जो ड्राइड मिल्क है इसमें साल्मोनेला नहीं आ सकता। इसके अलावा जो फिश की प्रोडक्ट्स हैं जितनी भी उनमें भी साल्मोनेला होता है। इसके अलावा बर्ड्स, सिंगेट्स, इन्फेक्टेड फूड्स ऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्हीकल्स होते हैं साल्मोनेला को जाने के लिए। जितनी मैंने बातें बताई हैं इतनी लिख लें, काफ़ी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी।